Fever.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब पर गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म की चर्चा है। फिल्म के ट्रेलर में आलिया भट्ट का जबरदस्त लुक दिख रहा है। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की हर तरफ तारीफ हो रही है। फिल्म के डायलॉग गंगूबाई ने सोना चांदी ही नहीं इज्जत भी कमाई है और गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी का जबरदस्त क्रेज दिख रहा है। आखिर ये गंगूबाई कौन थी, उन पर फिल्म बनाने की जरूरत क्यों हुई, तो चलिए हम आपको हर सवाल का जवाब देते हैं। 16 साल की उम्र में प्यार करके प्रेमी के साथ मुंबई पहुंचने वाली गंगूबाई के तेवर हमेशा से सख्त रहे थे। वो फिल्मों की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन जिसके साथ गंगूबाई भागकर मुंबई आई थी उसने गंगूबाई को 500 रुपए में कोठे पर बेच दिया। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर बनना तो कबूल किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसलिए फिल्म के ट्रेलर में गंगूबाई की कैरेक्टर कहती है, गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गंगूबाई कमीठापुर की सबसे महंगी सेक्स वर्कर बन चुकी थी। उसके क्लाइंट बड़े बड़े लोग थे। 60 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का नाम सुनने को मिलने लगा। हाजी मस्तान, बरदा राजन और करीम लाला जैसे डॉन का रुतबा बढ़ता ही जा रहा था। करीम लाला के गैंग के एक गुंडे ने गंगूबाई की इज्जत लूट ली थी और वो शिकायत लेकर डॉन के पास पहुंच गई। करीम लाला ने आरोपी गैंगस्टर के हाथों में गंगूबाई के हाथों से राखी बंधवा दी थी। बम्बई अंडरवर्ल्ड में खबर फैल गई कि करीम लाला ने गंगूबाई को बहन बना लिया है। गंगूबाई और गैंगस्टर करीम लाला का कनेक्शन यही था। दिन गुजरने लगे और गंगूबाई का रुतबा भी बढ़ने लगा। बम्बई में गंगूबाई बड़ा नाम बन चुकी थी। वो वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाने वाली लड़की और महिलाओं के लिए काम करने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गंगूबाई ने एक बार जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करके सेक्स वर्कर्स के लिए बातें भी की थी। उसके बाद रेड लाइट एरिया के लिए कई अधिकार तय कर दिए गए थे। आज भी गंगूबाई की तस्वीर कमाठीपुरा के कोठों की दीवारों पर मिल जाती है। अब बात फिल्म की। संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं। इसकी स्टोरी हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बेस्ड है। फिल्म के ट्रेलर में गंगूबाई के किरदार में आलिया भट्ट दिख रही हैं। उनके किरदार को लेकर कई तरह के कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। आलिया भट्ट को ट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में गंगूबाई काठियावाड़ी क्या थी और उन्होंने क्या किया, इसका पता आपको चल गया है। वैसे आपको बता दें, गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म 30 जुलाई को सिनेमा हॉल में आ जाएगी। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।